हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल अस्ट्रोनॉमी क्लास में। आज के इस वीडियो में हम बिहार पैरा मेडिकल एग्जाम 2024 के लिए यहाँ पर जो आपका फिजिक्स है, भौतिकी चैप्टर जो है आपका धारा का उष्मीय और चुंबकीय प्रभाव, उस चैप्टर से जो है सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आप लोग जो है सारे क्वेश्चन को एक बार जरूर देखें। इस वीडियो में हम जो है सारे क्वेश्चन यहाँ पर जो फॉर्मूले को भी देखेंगे और जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व भी करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा जो है वह क्या होती है? तो धारा के समानुपाती होती है, धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, या धारा के व्युत्क्रमानुपाती होती है, या फिर धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पर जो दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न जो ऊष्मा हो जाती है, तो एच इज इक्वल टू हमारा एक फॉर्मूला होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। एच इक्वल टू हो जाता है आई स्क्वायर आर टी, ओके। और इस फॉर्मूला पे हमारा जो चैप्टर हो गया धारा का उष्मीय और चुंबकीय प्रभाव, इसमें आपको जो है फॉर्मूला बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो है जो महत्व है वो रखने वाला है। तो इस फॉर्मूले को जरूर जो आप लोग याद कर ले। तो इस फॉर्मूले से यहाँ पर भी हम देख सकते हैं जो उष्मा उष्मा होती है जिसे हम लोग एच से हीट होता है ऐसे सूचित करते हैं, इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ओके। यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर आई यानी कि हो जाता है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा यहाँ पर जो ये जो है धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, देख सकते हैं इज इक्वल टू आई का यहाँ पर स्क्वायर है, तो वन का ऑप्शन नंबर बी जो वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत बल्ब के भीतर जो क्या भरा होता है? निर्वात रहता है, वायु भरा रहता है, निष्क्रिय गैस भरा रहता है, फिर हाइड्रोजन भरा रहता है। तो विद्युत बल्ब जो होता है उसके भीतर जो निष्क्रिय गैस भरा रहता है यानी कि जो हम लोग इनर्ट गैस भी कहते हैं, निष्क्रिय गैस कहते हैं, तो टू का हमारा ऑप्शन नंबर सी जो राइट हो जाएगा। निष्क्रिय गैस की अगर बात करें तो कौन कौन सा होता है, तो वो हो जाता है हमारा हीलियम हो जाता है, नियोन हो जाता है, हीलियम नियोन हो जाता है, आर्गन हो जाता है, क्रिप्टन हो जाता है, जिनोन हो जाता है, और एक जो है रेडॉन हो जाता है। तो रेडॉन जो है आपका एक रेडियो एक्टिव तत्व यहाँ पर हो जाता है, ओके। तो आप लोग याद रखिएगा कि विद्युत बल्ब के भीतर जो है वो निष्क्रिय गैस भरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शक्ति का एसआई मात्रक जो है क्या होता है? तो ऑप्शन यहाँ पर जूल, किलोवाट, किलोवाट घंटा या फिर वाट होता है। तो शक्ति जो होता है पावर, इसका एसआई मात्रक हो जाता है वाट, ओके, वाट हो जाता है, जिसे कि डब्ल्यू के द्वारा जो है सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो थ्री है इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट यानी कि जो बीओटी होता है ये किसके बराबर होता है? तो एक जो है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट जो है वह आपका एक किलोवाट घंटा यानी कि किलोवाट हावर के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारा फोर का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिजली के फ्यूज का तार जो किसका बना होता है? तांबे का, टीन का, फिर तांबे और टीन के मिश्र धातु का, या लोहे और पीतल के मिश्र धातु का? तो बिजली के फ्यूज का जो तार होता है ना वह बना होता है तांबा और टीन के मिश्र धातु का। तो यहाँ पर हमारा फाइव का ऑप्शन नंबर सी जो वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को यहाँ पर जो 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाएगा? हमारा जो एक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P इज इक्वल टू हो जाता है वी आई, ओके। जहाँ पर हमारा P जो है वह शक्ति को यानी कि पावर यहाँ होता है, P शक्ति को डिनोट कर रहा है, वी जो है यहाँ पर आपका जो वोल्ट दिया हुआ है इसको डिनोट कर रहा है, और आई जो विद्युत धारा को डिनोट कर रहा है। तो विद्युत धारा का मान यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आई इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा पी बाय वी हो जाएगा। और हमारा अगर शक्ति के बाद वाट दिया हुआ है 100 वाट यहाँ पर जो पी का मान दिया हुआ है, और बटा में यहाँ पर दिया हुआ है 250 वोल्ट जहाँ पर वी का मान है, तो 100 से 100 यहाँ पर कट गया, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 5 10 और 5 25, तो 2/5 यानी कि 0.4 एम्पियर इसका जो आंसर है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो 6 है इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 220 वोल्ट पर किसी बल्ब से जो 5/11 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो बल्ब की जो शक्ति है वह क्या हो जाएगी? तो शक्ति हमारे यहाँ पर जो पी का मान यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो पी इज इक्वल टू हमने अभी देखा वी इंटू आई हो जाएगा, तो वी का मान हमारा कितना दिया हुआ है वह जो 220 दिया हुआ है, और गुना में हो जाएगा यहाँ पर हमारा 5/11, तो यहाँ पर कट जाएगा 11 से कट जाएगा यहाँ पर जो है 20 बार में, और 20 5 हो जाएगा यहाँ पर 100, यानी कि यहाँ पर जो हमारा 100 और शक्ति का ऐसे मतलब वाट, तो 100 वाट हमारा जो आंसर है वह आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है 7 का ऑप्शन नंबर बी जो है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
2 ओम प्रतिरोध से 5 एम्पियर की धारा सा जो 30 मिनट तक प्रवाहित करने पर अंतरित जो ऊर्जा है वह क्या हो जाएगी। तो ऊर्जा एच इक्वल टू हमने फॉर्मूला देखा वह क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है। ओके, आई स्क्वायर आर टी होता है, तो आई का मान हमें 5 दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर जो वह 25 हो जाएगा और गुना आर, आर का मान हमारा कितना है, तो वह जो आर यानी कि प्रतिरोध जो वह प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, तो 2 ओम दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे हम। और देन यहाँ पर जो टी यानी कि टाइम पूछा जा रहा है, तो वह जो है 30 मिनट में दिया हुआ है, तो इसको हम यहाँ पर जो सेकंड में करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30 गुना हम लिख देंगे 60। ओके, तो जब हम इसे जो सोल्यूशन करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारे 9 गुना 10 के पावर 4। और यहाँ पर ऊर्जा का मान पूछा जा रहा है, तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक जो जूल हो जाता है, तो यह हो जाएगा हमारा जूल। तो यह हमारा जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 8 का जो है वो डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, एक विद्युत बल्ब का मूल्यांकन जो है 220 वोल्ट से 100 वाट किया गया है, तो बल्ब के तंतु यानी कि फिलामेंट का प्रतिरोध जो है वह क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रतिरोध यानी कि आर का मान पूछा जा रहा है कि वह क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो वोल्ट दिया हुआ है यहाँ पर और वाट में दिया हुआ है, शक्ति दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम जो आई का मान निकालेंगे और उसके बाद जो हम आर का मान को रखेंगे। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पर धारा यानी कि आई का मान निकालते हैं, तो हमारा फॉर्मूला जो होता है वो हो जाता है P इज इक्वल टू वी आई। तो अगर हम आई का मान निकाले तो हमारा क्या हो जाएगा, P बाय वी हो जाएगा। यहाँ पर P का मान हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 100 वाट दिया हुआ है, और नेक्स्ट यहाँ पर जो 220 वोल्ट जो दिया हुआ है, तो अगर हम इसको जो कट आउट करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 और यह हो जाएगा 2 5 10, सॉरी यहाँ पर 5 बार में काट देते हैं, 5 2 10 और यहाँ पर 11 2 22। ओके, सेम से कटना चाहिए, तो ये हमारे यहाँ पर 5/11 आ गया एम्पियर में। ओके, ये हमारा क्या आ गया, विद्युत धारा आ गया। अब हम जो है प्रतिरोध निकालेंगे, तो ओम के नियम से हम सभी जानते हैं क्या हो जाता है, वो हो जाता है हमारा वी इज इक्वल टू आई आर। क्या होता है, वी इज इक्वल टू है ओम के नियम से। तो यहाँ पर हम जो इस फॉर्मूला पर आगे बढ़ते हैं, तो R इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा V बटा I। यहाँ पर V का मान हमारा जो दिया हुआ है 220 वोल्ट है, और नेक्स्ट I के मान की बात करें तो वो हमारा भी है 5/11 आया। और यहाँ पर जो है इसको जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये कटेगा 44 बार में, और यह जो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 44 गुना 11, यानी कि हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर प्रतिरोध है 44 गुना 11 हो जाएगा 484। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो आर एन की प्रतिरोध का माना जाएगा 484 ओम हो जाएगा, ओम जो कि प्रतिरोध का ऐसे मात्रक हो जाता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो 9 है इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 484 ओम जो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलता है, तो 30 दिन के महीने में खर्च हुई विद्युत ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 30 किलोवाट घंटा। ओके, क्या हो जाएगा, 30 किलोवाट घंटा हो जाएगा। अगर किलो को हम हटा दे तो हो जाएगा 30,000 वाट हावर यानी कि वाट घंटा। तो 10 का हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा जो क्या उत्पन्न करती है, विस्मा उत्पन्न करती है, आकर्षण बल उत्पन्न करती है, या फिर विद्युत धारा के चालक पर बल उत्पन्न होता है, या फिर इसमें कोई घटना ही नहीं घटती। तो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में जो विद्युत धारा है यह जो है विद्युत धारा के चालक पर बल उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर 11 का हमारा ऑप्शन नंबर सी जो वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा किससे मिलती है, तो यह जो मिलती है किससे, तो यह मिलती है फ्लेमिंग के वाम हस नियम से। तो यहाँ पर मैं 12 का ऑप्शन नंबर बी जो वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत मोटर कार्य करता है किसके जैसा, तो ऑप्शन दिए हुए यहाँ पर विद्युत आवेश के एक स्रोत जैसा, या फिर ऊष्मा ऊर्जा के एक स्रोत जैसा, या ऊर्जा के परिवर्तक जैसा, या फिर विद्युत चुंबक के जैसा। तो विद्युत मोटर जो है वह एक ऊर्जा के परिवर्तक के जैसा कार्य करता है, तो 13 का हमारा ऑप्शन नंबर सी जो वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत मोटर क्रिया किस पर आधारित है, तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर विद्युत धारा पर, चुंबकीय प्रभाव पर, या चुंबक पर विद्युत धारा के प्रभाव पर, या आर्मेचर के घूर्णन पर, इनमें से किसी पर नहीं। तो विद्युत मोटर की जो क्रिया है यह जो विद्युत धारा पर चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर जो आधारित है, तो यहाँ पर 14 का हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 220 वोल्ट पर एक बल्ब 10 घंटे में 1 यूनिट ऊर्जा का उपभोग करता है,
तो शक्ति और प्रतिरोध की गणना करें तो इसका जो हमारा आंसर आ जाएगा वो प्रतिरोध इसका हो जाएगा 400 ओम, और शक्ति की बात करें तो वह आ जाएगा आपका 100 वाट। ओके, और प्रतिरोध जो आ जाएगा वह 400 ओम आ जाएगा। तो 15 का हमारे यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वह राइट हो जाएगा। वह जो है ये भी जो है उन्हीं सारे फॉर्मूले को यूज करके बनाया जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो धारा का जो उसमें प्रभाव चुंबकीय प्रभाव चैप्टर था फिजिक्स का, इसे यहाँ पर समाप्त कर लिया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।